आज जितने लोग यहाँ से हर एरिया से आए हुए हैं वो हिम्मत अफजाई के लिए, कुछ लोग फूल बरसा रहे हैं, कुछ लोग फूल लेके आए, शाल लेके आए, ये जिगर उन सिटी में हर एक को करना चाहिए, ये हिम्मत हर एक में आना चाहिए। आज 70 साल से मैं जो देख रहा हूँ, हमारा सियासी घराना है, मेरे वालिद MLA थे, हर हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत जो 50 साल के करीब यहाँ पे रही, 18 साल TDP गवर्नमेंट रही, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट है 4.5 साल उनको मिल कर रही, जिस तरीके से दूसरे गवर्नमेंट करे उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए। आज हम ओल्ड सिटी के जितने भी तबका है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक आस होती फलानी गवर्नमेंट आई, फलानी गवर्नमेंट आई, कुछ नहीं करी, TRS गवर्नमेंट आई बहुत कुछ करेंगी, जितना हम लोग मेरी टीम जो बताई है यहाँ ओल्ड सिटी के लोगों को कि बहुत कुछ आप लोगों का काम होने वाला है। और CM साहब बेहतरीन CM हैं, TRS गवर्नमेंट बेहतरीन गवर्नमेंट है। ओल्ड सिटी में क्यों ये दोहरा रवैया है, क्यों ये यहाँ की पार्टी के वजह से आज किसी कांग्रेस को आने नहीं दिए ओल्ड सिटी में, बेहतरीन उनके ताल्लुकात थे कांग्रेस से, TDP से बेहतरीन ताल्लुकात थे, उसको भी आने नहीं दिए, अब TRS से ताल्लुकात रखिए वो लोग हमारी पार्टी को भी आने नहीं दे रहे, क्या हम अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना, हम अच्छा नहीं खाना, हमारे को तनख्वाहें अच्छे नहीं होना, हमारे बच्चे अच्छा नहीं पढ़ना, कई की दादागिरी है ये आपकी, दोस्ती है तो लेके आओ हमारी पार्टी को, लेके आओ हमारे साथ, हम भी बैठे हुए 4.5 साल से भवन बना के बैठे हुए, देखो बच्चों को कितने बच्चे मेरे साथ हैं, अच्छा काम हर दो मिलके कर सकते हैं, अच्छा काम हर प्रोग्राम बड़े बड़े प्रोग्राम ला सकते हैं ओल्ड सिटी में, मेट्रो चालू कर रहे हैं, दूसरे दो लाइन का काम कंप्लीट हो रहा, अब चालू भी हो गए, ओल्ड सिटी लाइन हमारी बिल्डिंग के सामने से जारी वो बंद, यहाँ नहीं आना क्यों नहीं आना, हमारे वोटा कटते, तुम्हारे वोटों के वजह से सहूलत नहीं मिलना पब्लिक को, तुम्हारे वोटों के वजह से हमारे बच्चे बाहर पढ़ना नहीं, बाहर नौकरियां नहीं करना, ये सब छोड़ो, आज 4.5 साल कितनी तकलीफ हुई हमारे को, हम लोग जैक बनाए मेट्रो रेल के लिए, जैक बना के 4.5 साल मुसलसिल काम करते रहे, पूरे पार्टियों को एक छत के नीचे लेके आए, इंशाल्लाह ओल्ड सिटी में कोई बोलने वाला है बराबर मेरी आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा, मैं मेरी पार्टी के खिलाफ थोड़े लोगों को गलतफहमी जो सियासी माहौल सियासी जहन नहीं रखते उनको थोड़ी गलतफहमी ये हो गई कि मैं पार्टी के खिलाफ, मैं पार्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं जितना चाहता हूं उतना कोई सोच भी नहीं सकते, मैं जितना CM की इज्जत करता हूं, जितना एहतराम करता हूं, ओल्ड सिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, हर एक को नाराजगी इसमें, हमारी पहली लिस्ट में 105 की लिस्ट आई MLAs की, जिसमें एक मुस्लिम को दिए एक शिया को दिए, अरे हम आपसे जुड़े हुए हैं, यहां पे इतना मुश्किल है ओल्ड सिटी में बैठना, इसका अंदाजा है आप लोगों को, यहां से लोगों को उठाओ असेंबली में बिठाओ लेके जाके, यहां के लोग बड़ी तकलीफ में, CM साहब मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हो रहा हूं, नौ को भी आप भी से मुखातिब हुआ था, मैं बहुत छोटा आदमी हूं मगर दिल से चाहता हूं आपको, मेरी पार्टी को दिल से चाहता हूं मैं, आप हमारे जज्बे की कदर करो, चाहने वालों की कदर करो, एक मीटिंग बुलाओ, जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाओ, मैं नहीं चाह रहा हूं हमारी इतनी मेहनत बिखरना, आज लाखों लोग आपके वोट है ओल्ड सिटी में, लाखों वोट आपके हैं, हजारों टीम आपकी है, आज ये दो तीन हमारे माइनॉरिटी लीडरों को
आप जिम्मेदारी दिए साले पूरे नल्ले हैं। डीएम साहब आप एक मीटिंग लगाए, ये लोग हमको मिलने नहीं दे रहे आपसे, हम आपके पास, ये लोग आपके पास बैठने नहीं दे रहे हमको। हमेशा मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब से बोलता हूँ, साहब मेरे को सीएम साहब से मिलना है, हमारे पास बड़े प्रोग्राम हैं, हमारे पास ओल्ड सिटी के लिए बड़े प्रोग्राम हैं। जवाब क्या आता मालूम आपको? मैं सीएम साहब से नहीं मिल सकता हूँ, आप लोग कहाँ मिलेंगे? आप डिप्टी सीएम को, हमारे चार पांच चेयरमैनों को बुलाइए, बिठाइए, इलेक्शन का माहौल है, ये माहौल में सब मिलकर काम करेंगे। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह इस तरीके की दोबारा गलती नहीं होना वो पूरी कोशिश करेंगे, और हम आपके साथ हैं। हमारा एक एक मुसलमान का वोट आपके हक में है।